हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी ने न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन में भी देख भी लिया होगा कि जो रीट का एग्ज़ाम है और कई सारे बच्चे जो राजस्थान के अंतर्गत जो शिक्षक भर्ती आती है ग्रेड 3 की, लेवल 1 और लेवल 2 की, उसका कई सारे अभ्यर्थी को इंतज़ार है और इनको ये लग रहा है कि जो आपका रीट का एग्ज़ाम है वो हो जाएगा और उसके बाद आपकी वैकेंसी आज देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपर में वायरल हो रही हैं चीज़ें। क्या सच है, क्या नहीं है, क्या वैकेंसी कब तक आएगी और अभी क्या चल रहा है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से यही सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वैकेंसी कब तक आने की उम्मीद है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट की बात की गई है, ठीक है, रीट 2024 जो इसका एग्ज़ाम की डेट की बात की गई है, ये जनवरी के सेकंड वीक में बात की गई है कि जो रीट पात्रता परीक्षा होती है जो राजस्थान के अंतर्गत होती है कि आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। उसके बाद एक होता है मेंस का एग्ज़ाम होता है, लेवल 1 लेवल 2 के लिए भी ये रीट का एग्ज़ाम भी होता है। तो इसमें भाई एक चीज़ बता दूँ आपको कि आपको बोल तो दिया गया है कि जनवरी के सेकेंड वीक तक आपका जो रीट का पात्रता परीक्षा है वो हो जाएगी। लेकिन बात करें शिक्षक भर्ती, जो कि लोग अभ्यर्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो 2022 में इसके पहले परीक्षा हुई थी, रीट की जो परीक्षा हुई थी, लगभग उसमें 14.75 लाख, मतलब 14.75 लाख बच्चों ने इस फॉर्म को फिल किया था रीट की, और वहीं उसमें से लगभग 8 लाख बच्चे पास हुए थे। कितने? 8 लाख बच्चे टोटल पास हुए थे किसमें? जो रीट 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, रीट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 14.75 लाख बच्चों ने फॉर्म को फिल किया था और इसमें 8 लाख बच्चे जो क्या किए थे, ये पास हुए थे रीट के एग्जाम में, लेवल 1 और लेवल 2 को मिला के। अब उसके बाद वैकेंसी आती है किसकी? लेवल 1 लेवल 2 की भर्ती आती है, शिक्षक भर्ती आती है। लगभग कितनी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो लगभग 21,000 जो लेवल 1 की पीआरटी की वैकेंसीज आती हैं और लेवल 2 की 27,000 वैकेंसीज आती हैं। तो जैसे ही रीट 2022 एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें लगभग 14.75 लाख बच्चे इस फॉर्म को फिल करते हैं और लगभग 8 लाख बच्चे पास होते हैं रीट के एग्जाम को, जो पात्रता परीक्षा होती है। और उसके बाद एक शिक्षक भर्ती निकाली जाती है, कितने पद के लिए? 48,000 पद के लिए। 48,000 पद में लेवल 1 भी रहता है प्लस लेवल 2 भी रहता है। तो इसमें जो लेवल 1 में वैकेंसीज आती है वो 21,000 आती है और लेवल 2 कितनी आती है? 27,000 वैकेंसीज लेवल 2 के लिए आती है। ठीक, यहां तक समझ में आया आपको? अब ये हो गया और उसमें लगभग 450 बच्चों को वेटिंग लिस्ट भी आई थी, 2022 वाली वेटिंग लिस्ट भी आई थी। वहाँ पे लगभग 450 बच्चों को वेटिंग लिस्ट जो थी उनको ज्वाइनिंग भी दे दी गई थी 2 महीने के अंदर में। तो ये अच्छी खबर थी 2022 वालों के लिए। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो में। ये मैंने आपको 2022 का पूरा चीज़ समझाया, अब करंट सिनेरियो की बात करें तो देखिए क्या है कि रीट जो आरपीएससी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी एग्ज़ाम इस कंडक्ट करवाता है, उन्होंने कैलेंडर अपना जारी कर दिया है, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है। और जब भी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होता है तो उसमें आपको पता है कि उसमें जो एग्ज़ाम डेट होती है और रिजल्ट डेट होती है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। तो एग्ज़ाम कैलेंडर की बात करें, इन्होंने कब 68 एग्ज़ाम, टोटल 68 एग्ज़ाम्स के जो कैलेंडर है, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है। कब तक का? जून 2026 तक का इन्होंने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है कि जून 2026 तक जो भी एग्ज़ाम होने हैं उसमें 68 एग्ज़ाम होने हैं, 68 एग्ज़ाम के एग्ज़ाम डेट और उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, इसमें सारी चीजें उन्होंने मेंशन की है। लेकिन 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 मैटर यही फंसता है कि भैया जो ग्रेड 3 की भर्ती की वैकेंसी है, जो शिक्षक भर्ती की वैकेंसी है, उसमें उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। मामला यहां फंसता है। तो क्या अभी और करना पड़ेगा इंतजार? यही है, इसलिए अभ्यर्थी हैं परेशान। तो लगभग मैं कहूं तो अभी रीट की परीक्षा होगी और ऐसा बोला जा रहा है कि रीट की परीक्षा अगर जनवरी में हो जाती है तो उसके बाद डिसाइड होगा शिक्षक भर्ती। जब रीट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद शिक्षक भर्ती देखने को आपको मिल सकती है। तो अभी हो सकता है लंबा इंतज़ार करना पड़े और मान के चलिएगा कि आपका जून के बाद ही इसकी एग्ज़ाम देखने को मिले, ठीक है। जो शिक्षक भर्ती है राजस्थान में वो आपको हो सकता है नोटिफिकेशन पहले मिले, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो आपको मई जून तक में एग्ज़ाम डेट आपको देखने को मिलेगा। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से कि भैया जो रीट वाले अभ्यर्थी थे जो मेंस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेवल 1 लेवल 2, आपके पास काफ़ी 6-7 महीने हैं, अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करिए 5-6 महीने में और इस एग्ज़ाम में शामिल होइएगा और एक वैकेंसी अपने नाम कर लीजिएगा। तो बस यही सूचना थी जो कि अभी न्यूज़पेपर में भी आई थी, आपने भी पढ़ा होगा। आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, बाकी रीट का लेवल वन और लेवल टू की जो आपकी ईवीएस और सीडीपी का सेक्शन है उसको मैं पूरा कराऊंगा, उसके पीवाईक्यू, उसको प्रैक्टिस सीरीज हमारे चैनल पे स्टार्ट हो जाएगी आज से। आप चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। रीट लेवल वन लेवल टू दोनों की मैं बात कर रहा हूं, सीडीपी और ईवीएस जो पूछा जाता है पेपर वन में, एल वन में, वो मैं आपको पेपर अच्छे से कराऊंगा, पीवाईक्यू कराऊंगा, और जो लेवल टू में सीडीपी आती है उसकी पीवाईक्यू कराऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।